देखिए, जिस प्रकार से पिछले कई सालों में हरियाणा के युवाओं के भविष्य से जो खेला जा रहा है, ये कम से कम 2 दर्जन पेपर लीक हो चुके हैं और बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए। अभी देखो ना, पुलिस के लिए या सेक्रेटरी की नौकरियां थी, जिस प्रकार से हुआ और हर बारी यही तुम्हारा है। मैं तो पहले भी कहा, समझ में कहा, हरियाणा में तो जो नौकरियां हैं इस तरह बेची जा रही है जैसे परचून की दुकान पे, ये लो इतना लो। और ये SS कमीशन में भी आपने देखा, उनकी इंक्वायरी गई, इतने पेपर लीक हुए, लेकिन आज तक भी किसी की इंक्वायरी करके किसी को सजा ही नहीं दी है, किसी को पकड़ा ही नहीं है। बस वो हैंड वो छोड़ के हाथ हाथ झाड़ के बैठ जाते हैं। कोई भी गाप लगाओ, कोई भी इंक्वायरी, और ये कितनी इस चीज की नहीं, और जो भी घोटाले हुए हैं, एक के बाद एक घोटाले हुए हैं, किसी की जांच आज तक तय तक नहीं पहुंचती होगी। नहीं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अब आपने देखा, अभी किसान का मुद्दा है, ये बेरोजगारी का है, ये पेपर लीक का है, महंगाई है, और जो कानून व्यवस्था है, क्या बिल्कुल चरमरा गई? मुद्दों की कोई कमी नहीं। ये 20 तारीख से सेशन है तो 19 को हमारी CLP की मीटिंग होगी, उसमें तय करेंगे, और मुद्दों की कोई कमी नहीं। कितना लंबा सेशन चलना चाहिए? ये तो BAC की मीटिंग के बाद। आप लोग की तरफ से कह रहे हैं, हम तो हमारा पूरा चलना चाहिए सेशन, सारी करनी चाहिए, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है चलाने के लिए, लगता नहीं मेरे को, लेकिन वो तो BAC की मीटिंग में ही उठाए जाएंगे। इस दलों ने इसका समर्थन किया है, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। और जहाँ तक सवाल है हरियाणा का, जो ये लेके आए, हम तो पहले लागू कर रखा है, जो हम तो पहले ये जो लाए हरियाणा उस पर थी, पहला प्रदेश है जिसने इकोनॉमिक आधार पर भी दिया था, जिन कोई तो हमने छोड़ा नहीं, कोई छेड़ा नहीं, सबको रिजर्वेशन हुई, किसी को कम किया नहीं। इकोनॉमिक जैसे बहुत सारे बरादियों की भाइयों की जो है, जो हमारे राजपूत भाई हों चाहे पंजाबी भाई हों चाहे बनिए भाई हों, इनकी कहीं रिजर्वेशन नहीं थी, तो इकोनॉमिक आधार पर उनके बच्चों को भी हमने दी 10%। तो कोई उनकी तो रिजर्वेशन थी अलग से, तो कोई ऐसा नहीं था तो छोटा। और OBC के तो पहले ही हमारे हैं। तो बाकी अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दे रखी है 50% लिमिट, उसका क्या होगा वो देखने की बात है। बाकी ठीक है।